हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, सऊदी अरबिया में इस समय सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ ये है दोस्तों, कहा जा रहा है कि न्यूज़ के माध्यम से जो वायरल हो रहा है उसके माध्यम से जिन लोगों को सऊदी में 10 साल हो गया है चाहे 6 साल हो गया है, 6 साल के बाद जो है उनका ये कामा नहीं बनेगा, उनको जो है फाइनल जो है एग्जिट जाना पड़ेगा। तो ये बात जो है सही है कि झूठ है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों, अगर ये कानून सच है तो इसका जो नुकसान है किन लोगों को पड़ने वाला है और किन का जो है नुकसान ज्यादा होने वाला है। देखिए दोस्तों, कंपनी में जितने भी खर्जी आदमी हैं वो ज्यादातर एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनको 10 साल हो गया है, किसी को 8 साल हो गया है, किसी का 9 साल हो गया है, किसी का 12 साल हो गया है। ऐसे ऐसे पुराने जो आदमी हैं कंपनी में काम करने वाले हैं उनको एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा है काम कराने का और काम करने का। अगर वो लोग कंपनी से जाते हैं तो कंपनियां जो है सऊदी में 90% जो है बंद हो जाएगा, और दोस्तों कंपनी को ज्यादा लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस दोस्तों गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है इनकम नहीं आएगा गवर्नमेंट को। जो टैक्स देती है गवर्नमेंट को कंपनियां, वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, तो कंपनी को भी लॉस होगा और गवर्नमेंट को भी लॉस होगा। अगर मान लीजिए कंपनी बोलती है कि मैं नया वीजा दे रहा हूँ और टिकट दे रहा हूँ, आप नए वीजे पे आओ, तो फिर तो ठीक है। अगर कंपनी बोल रही है कि मैं वीजा दे रहा हूँ सिर्फ और टिकट का पैसा जो है आप लगा के आओ कंपनी में, तो बहुत सारे जो लोग हैं कंपनियां में नहीं आएंगे। तो दोस्तों कंपनी तो बंद होगी, गवर्नमेंट को इसमें लॉस होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं ये सच है कि झूठ है, एक जो कानून है जो कि 6 साल के बाद जो है जिन लोगों को सऊदी में 6 साल हो गया उनका ये कामा नहीं बनेगा, उनको फाइनल एग्जिट जाना पड़ेगा। ये सच है झूठ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कानून है सच है, ये कानून जो है इसके ऊपर अभी जो है बातचीत जो है ना चल रही है, बैठक जो है चल रही है, ये कानून जो है लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। देखिए दोस्तों, अगर ये कानून आता भी है सऊदी में तो सबसे ज्यादा जो है नुकसान उन लोगों को होगा, उन लोगों को ऊपर टारगेट किया जाएगा जिनकी सैलरी ज्यादा है, जो लोग अच्छे लेवल पे हैं, खारजी जो आदमी हैं जो अच्छे लेवल पे हैं उनकी सैलरी ज्यादा है, जैसे कि 8,000, 10,000, 6,000, 5,000, 14,000, जिनकी सैलरी ज्यादा है उनको टारगेट किया जाएगा। उन लोगों को जो है 6 साल के बाद जो है फाइनल एग्जिट जाना पड़ेगा, उनको जो है इकामा नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है सऊदी हुकूमत जो है ऐसा कर रही है कि जो अच्छे लेवल पे हैं उनको हटा के जो सऊदी लोग हैं उनको जॉब देने के लिए जो है सऊदी हुकूमत कर रही है। इसके वजह से जो है ये कानून आएगा तो उन लोगों के ऊपर ये टारगेट किया जाएगा जो खारजी अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी ज्यादा है उन लोगों को हटाया जाएगा, वर्कर लोगों को नहीं हटाएगा गवर्नमेंट। क्योंकि दोस्तों अगर वर्कर लोगों को हटाएगा तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा गर्मी होता है बाहर, और सऊदी लोग जो है बाहर वर्कर का जो है काम नहीं करेंगे, क्योंकि 2,000 3,000 में चाहे 1,500 चाहे 2,000 चाहे 1,000 चाहे 800 ऐसे सैलरी में सऊदी लोग नहीं करेंगे। और बाहर आपको पता है काम करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ खारजी लोग कर सकते हैं, जो हार्ड वर्कर है, जो हार्ड वर्किंग जो काम होता है वही लोग कर सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। तो जिनकी सैलरी 2,000 3,000 है उसके अंदर उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा, लेबर को बिल्कुल नहीं। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो कानून है ये पहली बार नहीं सुनने को आपको मिल रहा है, इससे पहले भी ये कानून के ऊपर चर्चा किया गया था, बाकी ये कानून जो है लागू नहीं किया गया था। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है जिनका सैलरी ज्यादा है, जो अजनबी आदमी है। तो देखते हैं कानून जब आएगा लागू होगा कि नहीं होगा, फिर जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या है इस कानून के अंदर, क्या लोगों को जो जिनकी सैलरी कम है, जिन लोग की सैलरी ज्यादा है उन लोगों को हटाया जाएगा, क्या है जो सच्चाई आने के बाद पता चलेगा। दोस्तों अभी इस कानून के ऊपर बातचीत चल रही है, देखते हैं कब आएगा नहीं आएगा, ये भी हो सकता है।
तो आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दिया पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।